हेलो एंड वेलकम टू मगअप अकेडमी चैनल। तो आज हम सीखेंगे सेंट्रिफ्यूगल पंप की डिज़ाइन। ये स्पेशली वीडियो मुंबई यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए है, पर कोई और यूनिवर्सिटी वाले भी इसे देख सकते हैं। सेंट्रिफ्यूगल पंप डिज़ाइन करने के लिए हमें 10 स्टेप्स पता रहने चाहिए। वो कौन से 10 स्टेप्स हैं? ये 10 स्टेप्स। सबसे पहला स्टेप है डायग्राम। डायग्राम बहुत कंपलसरी है, बिना डायग्राम के आपको मार्क्स नहीं मिल सकते। तो डायग्राम इज़ वेरी कंपलसरी, डायग्राम यू नीड टू रिमेंबर। सेकेंड स्टेप है अजम्पशंस। थर्ड है डिज़ाइन ऑफ सक्शन एंड डिलीवरी पाइप। फोर्थ है मैनोमेट्रिक हेड कैलकुलेशन। फिफ्थ है मोटर सिलेक्शन। सिक्स्थ इंपेलर डिज़ाइन। यहाँ तक सबको कंपलसरी है, मतलब क्वेश्चन आएगा तो यहाँ तक आपको करना ही है। फिर उसके बाद अगर क्वेश्चन में पूछा उसने क्या शाफ्ट डिज़ाइन करना है, तो आपको इंपेलर शाफ्ट का एक स्टेप रहेगा, वो आपको करना है। अगर क्वेश्चन में दिया बेयरिंग सिलेक्शन भी, तो आपको क्वेश्चन में पूछा तभी करना है। ये तीनों स्टेप ऑप्शनल स्टेप है, ये जब तक पूछा नहीं गया जब तक करना नहीं है। केसिंग एंड हब, वो सबको डिज़ाइन करना है। ये तीनों स्टेप ऑप्शनल है, पहले शाफ्ट, बेयरिंग सिलेक्शन एंड फ्लैंज एंड फास्टनर। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले स्टेप से, डायग्राम। तो ये रहा एकदम सिंपल सा डायग्राम। ये जो है इसको इंपेलर बोलते हैं, और ये है आई ऑफ इंपेलर। तो आपको पहले इंपेलर बनाना है। ये उसके ब्लेड्स हैं, ब्लेड्स ऑफ इंपेलर। दिस इज आई ऑफ इंपेलर, दिस इज इंपेलर। ये जो पाइप ऊपर जा रहा है, ये ऊपर टैंक है, ये डिलीवरी फ्लैंज है, और ये डिलीवरी पाइप है। जो पाइप नीचे से पानी ले रहा है, ये सक्शन पाइप है और ये सक्शन फ्लैंज है। इसको सम्प बोलते हैं, जहाँ से पानी आ रहा है। तो अगर आपने इसकी वर्किंग आपको पता नहीं है, तो पहले आप एक वीडियो देख लीजिए, 2-3 मिनट का ही वीडियो है। वो मैं इसको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे देता हूँ, उसमें इसकी वर्किंग दिखाया गया है। तो आप पहले उस वीडियो को देख के आइए, ताकि आपको इसकी वर्किंग पता चले, तो आप इसको अच्छे तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। ओके, दिस इज़ द डायग्राम यू नीड टू ड्रॉ, दिस इज़ कंपल्सरी। सो आफ्टर ड्राइंग दिस डायग्राम, द सेकेंड स्टेप इज अजम्पशन। सो फॉर बेटर यू हैव टू मेमोराइज ऑल दिस 10 स्टेप्स। अगर आपने ये 10 स्टेप्स के नाम आपने मेमोराइज कर लिए, तो आपके लिए ये डिज़ाइन बहुत ईजी हो जाएगा। आपको पता रहेगा कौन से स्टेप बाद क्या करना है, हर स्टेप में कौन से स्टेप फॉलो करने हैं। ये क्वेश्चन 15 से 20 मार्क को आता है एग्जाम्स में। तो अगर 15 से 20 मार्क को थ्योरी आती, तो आप कितने सारे पेजेस उसको याद करके जाते हैं। तो ये क्वेश्चन के लिए आपको बस ये 10 स्टेप्स याद करने हैं, और उस स्टेप्स के अंदर से फॉर्मूले थोड़े बहुत वो याद करने हैं। तो ईजिली आपको 15 से 20 मार्क मिल जाते हैं। ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि प्रोसीजर वाला सब्जेक्ट है, इसमें स्कोर आप कर सकते हैं आराम से। तो आइए सेकेंड स्टेप की तरफ बढ़ते हैं अपन। तो स्टेप नंबर टू अजम्पशंस। तो हमें क्या अज्यूम करना है? हमें इसमें 5 चीज अज्यूम करनी है। 5 में से 3 चीज है वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, सेकेंड चीज़ है हाइड्रोलिक एफिशिएंसी, और थर्ड चीज़ है मैकेनिकल एफिशिएंसी। तो ये तीनों एफिशिएंसी हमें 95% अज्यूम करना है। जस्ट अज्यूम कर लीजिए। उसके बाद सेकेंड चीज़ है हमें वेलोसिटी ऑफ सक्शन पाइप एंड वेलोसिटी ऑफ डिलीवरी पाइप भी अज्यूम करना है। तो वेलोसिटी ऑफ सक्शन पाइप हम 2 मीटर पर सेकेंड अज्यूम करेंगे, और वेलोसिटी ऑफ डिलीवरी पाइप हम 5 मीटर पर सेकेंड अज्यूम करेंगे। अगर ये चीज़ें क्वेश्चन में दी गई है, तो आपको अज्यूम करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर नहीं दी गई है क्वेश्चंस में, तो आपको ये अज्यूम करना पड़ेगा, बिना इसके आप आगे प्रोसीड नहीं कर सकते। सो क्वेश्चन कैसा फ्रेम होगा? क्वेश्चन ऐसा फ्रेम होगा, डिज़ाइन अ सेंट्रिफ्यूगल पंप फॉर द गिवन स्पेसिफिकेशन। तो वो स्पेसिफिकेशन में आपको HS दिया रहेगा, HDB दिया रहेगा। HS होता है हेड लॉस इन सक्शन पाइप। तो वो दिया रहेगा आपको क्वेश्चन में। जैसे ये क्वेश्चन में हमें HS दिया है 2 मीटर, ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, गिवन है। और हमें हेड लॉस इन डिलीवरी पाइप भी दिया है 16 मीटर, ठीक है। उसके बाद आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा लेंथ ऑफ सक्शन पाइप, जो कि है 5 मीटर ये क्वेश्चन के लिए, एंड लेंथ ऑफ डिलीवरी पाइप जो कि है 18 मीटर। उसके बाद आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा
एक्चुअल डिस्चार्ज, जो क्वेश्चन में डिस्चार्ज दिया रहता है वो एक्चुअल रहता है, जो कि 1500 लीटर्स पर मिनट। ये कंपलसरी, बिना इसके आप प्रोसीड कर ही नहीं सकते। तो आपको क्वेश्चन में इस डिस्चार्ज के लिए पंप डिज़ाइन करने के लिए बोला जाएगा, आपको लेंथ और लेंथ भी दी रहेगी, आपको स्टैटिक हेड और डिलीवरी हेड भी दिया रहेगा, सक्शन हेड एंड डिलीवरी हेड। तो ये पांच चीज़ें आपको गिवन रहेगी। तो ये लीटर्स पर मिनट में, लेकिन हमें इसको मीटर क्यूब पर सेकेंड में चाहिए रहेगा, तो हम पहले इसको कन्वर्ट कर लेंगे। तो एक 1 लीटर में 10^-3 मीटर रहते हैं, ओके। तो इसको हमें मीटर क्यूब पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो 1500 लीटर्स है, तो इसलिए 1 लीटर इज इक्वल टू 10^-3 मीटर। 1500 इंटू 10^-3 डिवाइड बाय, एक मिनट में 60 सेकंड रहते हैं, इसलिए 60, 00 गया, 6 1 6, 25 इंटू 10^-3 0.025 मीटर क्यूब पर सेकंड। हमने इसको कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि हमारा सारा कैलकुलेशन मीटर्स में है, इसलिए हमें इसको मीटर क्यूब पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा ही पड़ेगा, ओके। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज, नाउ द रियल डिज़ाइन बिगिंस। द नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर थ्री है डिज़ाइन ऑफ सक्शन एंड डिलीवरी पाइप, ओके। डिज़ाइन ऑफ सक्शन एंड डिलीवरी पाइप, तो आपने FM में पढ़ा होगा कंटिन्यूटी इक्वेशन, वो क्या कहती है, Q इज इक्वल टू ए इन टू वी, A1V1 इक्वल टू A2V2, ओके। ये FM की कंटिन्यूटी इक्वेशन है, तो हम इसका यूज़ करेंगे फॉर डिज़ाइनिंग ऑफ, पहले हम सक्शन पाइप डिज़ाइन करते हैं। सक्शन पाइप, वी नो डिस्चार्ज, वी नो वेलोसिटी, वी हैव टू कैलकुलेट एरिया, तो क्यू इज इक्वल टू ASVS। तो अब यहाँ पर जो ये क्यू यूज़ हो रहा है, तो ये फॉर्मूले के बेसिस पे यूज़ हो रहा है, मतलब इससे अगर हमारे पास एरिया और वेलोसिटी रहती तो हमें जो क्यू मिलता है वो फॉर्मूले से मिल रहा है, तो वो थ्योरेटिकल है, लेकिन एक्चुअल में वो उतना नहीं दे रहा जितना उसको फॉर्मूले से मिल रहा है। तो कुछ ना कुछ एफिशिएंसी रहती है मैकेनिकल डिवाइसेस की, उसकी वजह से वैल्यूज़ जो फार्मूले से आती है उससे कम हो जाती है, तो हमें इस फार्मूले में थ्योरेटिकल डिस्चार्ज यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि फार्मूले से मिलने वाला डिस्चार्ज थ्योरेटिकल होता है, एक्चुअल लाइफ में एक्चुअल डिस्चार्ज ही रहता है। तो अभी थ्योरेटिकल डिस्चार्ज कैसे निकाले, तो उसका एक सिंपल है, क्या आपको एक्चुअल डिस्चार्ज मालूम है, तो एक्चुअल डिस्चार्ज निकलता कैसे, आप पहली बात तो आप फॉर्मूले से थ्योरेटिकल डिस्चार्ज निकालते, उसको एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करते, तो जाके एक्चुअल डिस्चार्ज मिलता है, क्योंकि कुछ ना कुछ एफिशिएंसी रहती है, उससे अगर आप कोई चीज़ को मल्टीप्लाई कर दे तो आपको एक्चुअल में क्या होने वाला वो मिल जाता है। तो ये एफिशिएंसी है वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, तो इसमें आपको एक्चुअल डिस्चार्ज पता है 0.025, ओके। आपको थ्योरेटिकल डिस्चार्ज नहीं पता, और आपने वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी स्टेप टू में यहाँ पर देखिए अज्यूम किया था 95%, तो 95 डिवाइड बाय 100 परसेंट में, इसलिए डिवाइड बाय 100, तो इससे आपको थ्योरेटिकल डिस्चार्ज मिलेगा। तो थ्योरेटिकल डिस्चार्ज आया है 0.0263 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो देखिए आप कितना फ़र्क है, आपको फॉर्मूले से तो ये डिस्चार्ज मिला 0.0263, लेकिन एक्चुअल में तो आपका डिस्चार्ज बस इतना ही हो रहा है 0.025, ओके। तो ये डिस्चार्ज को लेके यहाँ डालिए, 0.0263 इज इक्वल टू एरिया, अब वो सक्शन पाइप है और यहाँ से डिस्चार्ज होगा, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या है, पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर एंड वी एस, तो ये सक्शन पाइप है इसलिए डायमीटर ऑफ सक्शन पाइप का स्क्वायर, ओके। तो वी एस भी हमारे पास है, वी एस हमारे पास कहाँ है, हमने ऊपर अज्यूम किए 2 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ 2 डालिए, यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये, एक ही अननोन बचा डी एस, तो इससे आपको डी एस मिल जाएगा, जो कि डायमीटर ऑफ सक्शन पाइप, जो कि है 0.1294 मीटर। सारे वैल्यूज मीटर में थे तो हमें डायमीटर भी मीटर में मिल गया। तो हमने फर्स्टली सक्शन पाइप डिज़ाइन कर लिया। डिज़ाइन ऑफ सक्शन पाइप डिलीवरी पाइप मतलब
हमें कितना डायमीटर का पाइप लगाना चाहिए पंप में वही निकालना रहता है। तो हमें डायमीटर ऑफ सक्शन पाइप मिल गया है, ओके वेरी गुड। तो ये मीटर में है तो मतलब 129.4 mm। ओके अभी ये फर्स्ट स्टेप था डिज़ाइन ऑफ सक्शन पाइप, एंड देन सेकेंड है डिलीवरी पाइप। सक्शन पाइप तो डिज़ाइन कर लिए, डिलीवरी पाइप भी डिज़ाइन करना पड़ेगा। तो सेम फॉर्मूला, नथिंग चेंज, क्यू टी एच इज इक्वल टू ई डी इन टू वी डी। ओके क्यू टी एच हमारे पास है 0.0263, ई डी है पाई बाय 4 इंटू डायमीटर ऑफ डिलीवरी पाइप था होल स्क्वायर, इंटू वी डी हमने अज्यूम किया था 5। तो इससे हमें डिलीवरी पाइप का डायमीटर मिल जाएगा जो कि आया है 0.0818 मीटर। ओके इच इज इक्वल टू 81.8 mm। तो अब हमें डिलीवरी पाइप और डायमीटर और डिलीवरी पाइप और सक्शन पाइप का डायमीटर मिल गया। तो मतलब हमारा डिज़ाइन ऑफ सक्शन एंड डिलीवरी पाइप का स्टेप ओवर हो गया। देखिए यहाँ तक कितना सिंपल था, आपने डायग्राम बनाया, आपने सिर्फ थोड़ी चीज़ें अज्यूम की, आपने डिलीवरी पाइप और सक्शन पाइप को डिज़ाइन कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप, तो द नेक्स्ट स्टेप इज मैनोमेट्रिक हेड का कैलकुलेशन करना है। हमें मैनोमेट्रिक हेड का कैलकुलेशन क्यों करना है, क्योंकि हमें मोटर सेलेक्ट करनी है। अब वो जो सेंट्रीफ्यूगल पंप का जो इम्पेलर है वो किसी चीज़ से तो रन करेगा ही, उसको आपको पावर देनी पड़ेगी, उसको आपको मैकेनिकल रोटेशन देने पड़ेगी, तभी जाकर इम्पेलर घूमेगा। तो इसलिए हमें मोटर सेलेक्ट करने की, हमें कितना पावर की मोटर लगेगी उस डिस्चार्ज के लिए, उस इम्पेलर को रन करने के लिए। तो मोटर सिलेक्शन के लिए पहले हमें मैनोमेट्रिक हेड का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो हम पहले मैनोमेट्रिक हेड का कैलकुलेशन करते हैं, तो वो रहेगा हमारा स्टेप नंबर 4। स्टेप 4 मैनोमेट्रिक हेड। ओके तो इसको आप ध्यान से देखिए, हेड लॉस इन मैनोमेट्रिक हेड, मतलब मैनोमेट्रिक हेड ही इन शॉर्ट इज इक्वल टू, उसमें चार फैक्टर्स है मैनोमेट्रिक हेड में। एक है हेड लॉस इन सक्शन पाइप प्लस हेड लॉस इन डिलीवरी पाइप, ओके प्लस लॉसेस इन सक्शन पाइप प्लस लॉसेस इन डिलीवरी पाइप ड्यू टू अदर फैक्टर्स एंड प्लस वेलोसिटी लॉस। एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो कि आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, ये बहुत इजी है। हेड लॉस इन सक्शन पाइप प्लस हेड लॉस इन डिलीवरी पाइप प्लस लॉसेज इन सक्शन प्लस लॉसेज इन डिलीवरी पाइप, मतलब जितने भी लॉस हो रहे हैं दुनिया भर के वो सब डाल देना है इसके अंदर, और वेलोसिटी लॉस। तो हेड लॉस इन सक्शन पाइप, तो आपने कहीं ये देखा है, हाँ गिवन में आपको दिया हुआ है, मेंशन है 2 मीटर, तो ये आपको मिल गया 2 मीटर क्योंकि दिया है क्वेश्चन में। और हेड लॉस इन डिलीवरी पाइप वो भी दिया आपको 16 मीटर। ओके ये दोनों वैल्यूज़ तो दी है, अब ये तीनों वैल्यूज़ हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो वेलोसिटी लॉस, इसका आप एक सिंपल सा फॉर्मूला याद कर लीजिए, वी स्क्वायर अपॉन 2g। ओके ये लॉस का फॉर्मूला है, एट एग्जिट, एट एंट्री, एट बेंड, एट वॉल्व, ये आपने एफएम पढ़ा होगा तो आपको पता होगा ये वी स्क्वायर बाय 2g। ये इसके साथ एक फैक्टर आता है, तो वो हम हर चीज़ जो चीज़ निकालना रहती है उस फैक्टर से मल्टीप्लाई करते, तो उस चीज़ का अपने को लॉस मिल जाना। मतलब अगर मेरे को लॉस इन बेंड निकालना है तो मुझे बेंड फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके मुझे लॉस इन बेंड मिलेगा। तो वेलोसिटी लॉस है, तो सीधा सीधा यही फॉर्मूला है वी स्क्वायर बाय 2g। अब कौन सा वी लेना है, तो वेलोसिटी लॉस के लिए हमें वी लेना है डिलीवरी पाइप का, वी डी स्क्वायर बाय 2g। ओके तो हमें ये फैक्टर मिल गया, अब हमें ये और ये निकालना है। तो पहले हम निकालते हैं लॉस इन सक्शन पाइप, लॉस इन सक्शन पाइप। तो अभी इसके लिए भी ना आपको तीन चीज़ें तो मिनिमम चाहिए, एक तो है लॉस इन वॉल्व, वॉल्व मतलब आप वॉल्व खोल रहे बंद कर रहे हैं उसकी वजह से जो लॉस हो रहा है पानी के अंदर उसको बोलते हैं लॉस इन वॉल्व, प्लस लॉस इन बेंड। अगर आपके पाइप में बेंड्स है, जैसे यहाँ पर देखिए आप डायग्राम में देख लीजिए, यहाँ बेंड है, तो इसके वजह से जो लॉस हो रहा है, क्योंकि पानी सीधा ऊपर जाता है तो कुछ नहीं होता है, यहाँ पर उसको यहाँ पर मुड़ना पड़ रहा है तो लॉस हो रहा है। तो प्लस लॉस इन वॉल्व प्लस लॉस इन बेंड प्लस, अब ये पाइप एकदम स्मूथ तो नहीं है, ये कोई ना कोई मटेरियल से बना है, जो मटेरियल रफ़ होते हैं तो ज़्यादातर हम कोशिश करते हैं कि स्मूथ मटेरियल से बनाए, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ उसमें फ्रिक्शन रहता है, तो उसकी वजह से फ्रिक्शन लॉस आता है।
तो लॉस इन, लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, ये हर पाइप में रहता ही है, कोई भी दुनिया का ऐसा पाइप नहीं जिसमें ये है नहीं, लॉस इन फ्रिक्शन। तो लॉस इन वॉल, तो हमने बताया था ना आपको एक फॉर्मूला है बस, वी स्क्वायर बाय 2g, तो इसका भी वी स्क्वायर बाय 2g। फ्रिक्शन का अलग है क्योंकि फ्रिक्शन मेजर लॉस में कंट्रीब्यूट करता है और ये माइनर लॉसेस है, वो अपने एफएम में सीखा है मेजर और माइनर, मतलब फ्रिक्शन की वजह से जो लॉस होता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू वॉल और बैंड की वजह से लॉस हो रहा है, तो इसलिए उसको मेजर लॉस बोलते हैं और इनको माइनर लॉसेस बोलते हैं। तो लॉस इन वॉल हमें इसके फैक्टर से मल्टीप्लाई करने का kV, लॉस इन बैंड हमें इसके फैक्टर से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा kB, एंड प्लस लॉस इन फ्रिक्शन। तो हमने एक छोटा सा फॉर्मूला पढ़ा था, 4FLV² / 2GD, ये होता है फ्रिक्शन लॉस का फॉर्मूला, ये डार्सी वायबैक इक्वेशन है जो आपने एफएम में डिराइव किया था, तो ये जस्ट आप रिमेंबर कर लीजिए, अगर आपको याद नहीं है, याद रहे तो बहुत अच्छी बात है। तो 4FLV² / 2GD, अभी हम सक्शन के लिए निकाल रहे हैं, तो ये सारे वेलोसिटीज़ और डायमीटर सक्शन का रहेगा, ये सक्शन का, ये सक्शन का, ये सक्शन का, लेंथ सक्शन की, डायमीटर सक्शन। ओके, तो अभी kV और ये फ्रिक्शन फैक्टर बोलते हैं इसको F। देखो इसमें हमारे पास G मतलब 9.81 और V सक्शन पाइप की वेलोसिटी हमारे पास है, इसमें भी G है और वेलोसिटी ऑफ सक्शन पाइप है, इसमें लेंथ ऑफ सक्शन पाइप, वेलोसिटी सक्शन पाइप, डायमीटर सक्शन पाइप और G भी है। तो अननोन क्या हमारे पास, kV और F, तो kV एंड F। ओके, क्वेश्चन में दिया है तो बहुत अच्छी बात, नहीं दिया है तो फिर आपको रिमेंबर करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। kV की वैल्यू 1 लेना पड़ेगा, kV की वैल्यू आपको लेना पड़ेगा 0.01, और वही वैल्यू आपको फ्रिक्शन फैक्टर की भी लेना पड़ेगा, ये हमने अज्यूम करे हुए। ओके, तो सारी वैल्यूज पुट इन करिए, 1 × वेलोसिटी ऑफ सक्शन पाइप, वेलोसिटी ऑफ सक्शन पाइप आपने यहाँ अज्यूम किए हुए 2 / 2 × 9.81 प्लस 0.01 यहाँ से रहा है, प्लस v² है 2² सॉरी यहाँ स्क्वायर था, अपॉन 2 × 9.81 प्लस 4 × f 0.01 × ls लेंथ ऑफ सेक्शन पाइप 5 दिया, × vs² 2² अपॉन 2 × 9.81 × डायमीटर ऑफ सेक्शन पाइप, ये रहा। तो मीटर में रखिए सब तो अच्छा रहेगा, 0.1294। इसको कैलकुलेट करिए, आपको आंसर मिल जाएगा लॉस इन सक्शन। तो लॉस इन सक्शन पाइप है 0.5219 मीटर। ओके, आपको ये मिल गया। तो अब सिमिलरली आप लॉस इन डिलीवरी पाइप भी आपको यही चीज़ से निकालना है, सेम है, कुछ फर्क नहीं है, सिर्फ यहाँ पर सारे लॉस सेम रहेंगे, वॉल प्लस लॉस इन बैंड, सिर्फ वहाँ फैक्टर्स डिलीवरी पाइप के आ जाएंगे प्लस लॉस इन फ्रिक्शन, मतलब यहाँ पर आ जाएगा kV, वही रहेगा vd² / 2g आ जाएगा, बस यहाँ vd हो गया, और यहाँ भी kV वही रहेगा vd² / 2g प्लस यहाँ भी 4FLD vd² / 2g। ये बहुत अच्छा है, 4FLV² / 2GD बहुत अच्छा लगता है बोलने में, तो आप इसको याद वैसे रख सकते हैं। तो इसमें सारी वैल्यूज पुट करिए आप, वेलोसिटी ऑफ डिलीवरी पाइप आपको दिया हुआ है 5 m/s, सॉरी आपने अज्यूम की है उसको 5, और लेंथ ऑफ डिलीवरी आपको दी हुई है 18, वेलोसिटी आपने अज्यूम कर ली, डायमीटर ऑफ डिलीवरी पाइप आपने यहाँ निकाले 0.0818, इसको सबको आप रखें यहाँ पर, आपको मिलेगा 12.5 m। ओके, तो आपको ये भी मिल गया, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है सब, ये vd² / 2g से आपको मिल जाएगा, सब मिल गए, तो आपको लास्ट में मैनोमेट्रिक हेड मिल जाएगा, क्योंकि 2 + 16 + 0.5219 + 12.5 + 5² / 9.81, तो आपको मिल गया 25.79 m। ओके, सिंपल था ये, इसमें कुछ मतलब दिक्कत वाली बात ही नहीं है, फोर्थ स्टेप पे, तो आपने 4 स्टेप्स पूरे कर लिए, यहाँ तक पहुँच गए। अब ये नेक्स्ट स्टेप है मोटर सिलेक्शन, वो भी बहुत इजी है मोटर सिलेक्शन। ओके, तो हम करते हैं नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 5।
मोटर सिलेक्शन, तो हमने हेड तो कैलकुलेट कर लिए, लेकिन मोटर सिलेक्ट कैसे करते हैं? मोटर सिलेक्शन के लिए हमें उसकी पावर पता रहनी चाहिए, तभी तो जाके हम उसका मतलब वो मोटर सिलेक्ट कर पाएंगे कौन सी पावर के लिए कौन सी मोटर चाहिए। तो मोटर हमेशा हम थ्री फेज सिलेक्ट करते हैं, थ्री फेज इंडक्शन मोटर ऑफ पावर पी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हमें पावर नहीं पता। तो अब देखिए पावर के एक दो फॉर्मूला है, पी इज इक्वल टू 2π NT/60 जो आप जानते हो, लेकिन वो यहाँ नहीं लगेगा, हमें पावर चाहिए इंपेलर को रन करने के लिए। तो पावर रिक्वायर्ड टू रन द इंपेलर, हमें ये हम ध्यान से देखिए, पावर रिक्वायर्ड टू रन इंपेलर मतलब इंपेलर को कितनी पावर चाहिए रन होने के लिए, हमें वो कैलकुलेट करना है। तो उसका फॉर्मूला अपने अपने पंप्स की वो सब्जेक्ट में पढ़ा होगा, तो उसके अंदर दिया रहता है उसका फॉर्मूला, पावर रिक्वायर्ड टू रन द इंपेलर इज गामा क्यू एच। सिंपल सा फॉर्मूला, इतना छोटा फॉर्मूला है, लेकिन हम सिलेक्शन कर रहे हैं तो हमें एक्चुअल पावर चाहिए रहेगी। ये तो हमने फॉर्मूले से थियोरेटिकल पावर आ जाएगी, लेकिन हमें एक्चुअल चाहिए, तो इसलिए एक्चुअल के लिए हमें उसको एफिशिएंसी से डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, तो ये एफिशिएंसी ना वॉल्यूमेट्रिक है ना हाइड्रोलिक है ना वो वाली है मैनोमेट्रिक, ये ओवरऑल एफिशिएंसी, क्योंकि हमें ओवरऑल एफिशिएंसी चाहिए रहेगी, हमें एक स्पेसिफिक एफिशिएंसी नहीं चाहिए रहेगी। ओके, ये हेड जो हमें पीछे कैलकुलेट किए वो मैनोमेट्रिक हेड है, ये है क्यू टी एच थियोरेटिकल डिस्चार्ज। ओके, क्योंकि हम फॉर्मूले में डाल रहे हैं इसके जैसे, और ये गामा है वेट डेंसिटी। अभी गामा होता है रो जी, बस इतना याद रखिए, क्योंकि अपने एफ में पढ़ा हुआ है रो जी। रो वाटर के लिए रो क्या रहता है 1000। ओके, और जी क्या है 9.81, तो गामा क्या हो जाएगा 9810। ओके, 9810, तो यहाँ पर गामा आपको मिल गया। क्यू टी एच आपको पहले से पता था, एच मैनोमेट्रिक आपको कैलकुलेट किए, ओवरऑल एफिशिएंसी तो हमें तीन एफिशिएंसी पता है, हाइड्रोलिक वॉल्यूमेट्रिक और मैकेनिकल, ये तीन एफिशिएंसी हमें पता है, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए जस्ट, तो आपको 0.95 × 0.95 × 0.95 आपको ओवरऑल एफिशिएंसी मिल जाएगी 0.8573। तो आपको ओवरऑल एफिशिएंसी भी मिल गई 0.8573, इससे सबकी वैल्यूज डाली आपको पावर मिल जाएगी, तो आपको पावर आ गई 7764.46 वाट। तो किलोवाट में कितनी है, इसको बस 10,000 से डिवाइड कर दीजिए, 7.764 किलोवाट। ओके, आपको पावर आ गई। अभी आपको सिलेक्ट करना है, तो सिलेक्शन के लिए आपको डेटा बुक लगेगी, आप कोई भी डेटा बुक यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मेरे पास PSG पड़ी है, जो हमारी यूनिवर्सिटी में बोलते हैं, मुंबई यूनिवर्सिटी में PSG। तो सिंपली आप उसमें इंडेक्स खोलिए, इंडेक्स में आप स्टैंडर्ड कंपोनेंट्स में जाना, क्योंकि मोटर एक स्टैंडर्ड कंपोनेंट है, वहीं मिलेगा। यहाँ आप मोटर्स ढूंढिए, कहाँ मोटर्स, ये रहा मोटर 5.124। ये देखिए एक पेज ये है फुट माउंटेड मोटर्स और एक है फ्लेंज माउंटेड मोटर्स। ओके सॉरी, थोड़ी सेटिंग बिगड़ गई, एक मिनट। कमिंग बैक, आपको फुट माउंटेड मोटर ही सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी मोटर ऐसा रहेगी जो फुट पे माउंट रहेगी, आप उसको फ्लेंज पे नहीं माउंट करने वाले। तो फुट माउंटेड मोटर्स में थ्री फेज, आपकी पावर कितनी आई है, आपकी पावर आई 7.7, तो यहाँ पर पावर्स दी है, उसमें ढूंढिए 7.7 7.5 है 7.7 नहीं है। आपको कभी भी कम वैल्यू नहीं सिलेक्ट करना पड़ेगा, आपको हमेशा ज़्यादा वैल्यू सिलेक्ट करनी पड़ती, क्योंकि हमें उसको सर्वाइव कराना पड़ता है कोई भी कंडीशन में, वर्स से वर्स। तो वर्स से वर्स 7.7 है, तो 7.5 हम सिलेक्ट नहीं कर सकते, नहीं तो मोटर फेल हो जाएगी, रन ही नहीं होगा इम्पेलर। इसलिए ऑब्वियस ही बात है आपको नेक्स्ट वैल्यू 11 वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो 11 आप 11 किलो वाट सिलेक्ट करिए और उसकी वैल्यूज देखिए क्या दिए, 1000 3000 1500, ये RPM दिया मोटर का। तो वो कंडीशन पे डिपेंड है, एप्लीकेशन पे डिपेंड है आपको कितना RPM चाहिए। तो इन तीनों में से मॉडरेट RPM मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, अज्यूमिंग में कंडीशन मॉडरेट है, तो 1500 सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके, तो हम सिलेक्टिंग स्टैंडर्ड मोटर, तो
आपको यहाँ लिखना पड़ेगा आपने कहाँ से सिलेक्ट किए, फ्रॉम डेटा बुक, ओके, फ्रॉम डेटा बुक, और उसका नाम भी लिखना पड़ेगा, ऐसे नहीं सिर्फ डेटा बुक लिख दिए। तो मेरी डेटा बुक का नाम है PSG और उसका पेज नंबर भी लिखना पड़ेगा 5.124, यहाँ से मैंने सिलेक्ट किया है, नहीं तो ऐसा हवा में से आप सिलेक्ट नहीं कर सकते। तो उसकी कैपेसिटी क्या थी, उसकी कैपेसिटी थी हमने 11 किलोवाट का सिलेक्ट किए, टाइप था वो फुट माउंटेड थ्री फेज इंडक्शन, ये लिखना कंपलसरी है ना, तो आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले। फिर उसकी स्पीड, स्पीड हमें तीन थी ना, RPM में ही रहेगी वो, एक तो थी 1000, एक थी 3000 और एक थी 1500, है ना, ये तीन स्पीड थी। तो हमने ये 1500 सेलेक्ट की, लेकिन ये है स्टैंडर्ड स्पीड, मतलब वो उतना क्लेम करते हैं कि इतनी स्पीड है, सॉरी सॉरी, तो उतनी स्पीड एक्चुअल में होती नहीं है। तो आपको इसकी वैल्यूज़ याद रखनी पड़ेगी, जैसे ये 1000 RPM क्लेम करते हैं लेकिन वो एक्चुअल में 960 RPM ही रहती है, ये 3000 क्लेम करते हैं लेकिन वो एक्चुअल में 2880 ही रहती है, और ये 1500 क्लेम करते हैं लेकिन वो एक्चुअल में 1440 रहती है, 1440 RPM, ओके। तो आपने ये तो बहुत सारी जगह अपने सम्स में सॉल्व किएगा, 1440 RPM की मोटर है, 1440 RPM की मोटर है, तो इसलिए आपको ये याद रहनी चाहिए। तो हम ये सिलेक्ट कर रहे हैं, तो आप कन्वीनियंस के तौर पे सिर्फ इतनी चीज़ को याद रख सकते हैं, 1500 का एक्चुअल स्पीड है 1440 RPM, ओके। तो अभी हमारा स्टेप 5 ही ओवर हो गया, दिक्कत की बात ही नहीं है आता कि यहाँ तक कितना इजी था। अब इम्पेलर डिज़ाइन, ओके, ये स्टेप थोड़ा टफ है, टफ नहीं बोलना चाहे, अगर आपके पीछे के बेसिक्स क्लियर है तो आप इसको आराम से कर सकते हैं, अगर नहीं क्लियर है, जैसे अगर आपको वेलोसिटी डायग्राम बनाने आता है तो ये स्टेप आपके लिए एकदम हलवा रहेगा, लेकिन अगर आपको नहीं आता वेलोसिटी डायग्राम बनाना कोई बात नहीं, मैं सिखाऊंगा, लेकिन फिर आपको थोड़ा टाइम लग जाएगा उसको मतलब अपने माइंड में डालने के लिए, क्योंकि वो नई चीज़ रहेगी आपके लिए, इसलिए ये स्टेप, और यही सबसे मेन स्टेप है ये, मतलब आधे से ज़्यादा मार्क्स इसके ही है बस पहले डिज़ाइन के, ये अगर आपने सही से कर लिए तो आपको पूरे आधे से आधे मार्क्स यहीं तक मिल जाते, कि यहाँ तक तो एकदम सिंपल था, है ना। तो नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं, इम्पेलर डिज़ाइन, जो कि थोड़ा टफ है, लेकिन इतना भी नहीं, आपको बस 2-3 चीज़ें उसमें याद रखनी है, हो जाएगा वो। तो स्टेप नंबर 5, इम्पेलर डिज़ाइन, तो इसमें फर्स्ट हमें इम्पेलर, ये देखिए ये इम्पेलर है, ये आई है ना, और ये उसकी, सॉरी सर्कल सही नहीं बना, ये उसकी ब्लेड्स है। तो यहाँ पर देखें सक्शन पाइप कनेक्ट होता है ना, और यहाँ पर वो डिलीवरी पाइप कनेक्ट होता है जो कि ऐसा या ऐसा रहता है ना। तो हम इसको अज्यूम कर लेंगे, फर्स्ट स्टेप हमारा अजम्पशन है, क्या इम्पेलर का जो आई डायमीटर है, आई डायमीटर वो सक्शन पाइप के डायमीटर के इक्वल रहेगा, ये हमने अज्यूम कर लिया है फर्स्ट स्टेप, क्योंकि कुछ डेटा ही गिवन नहीं था, अगर इम्पेलर का आई डायमीटर दिया है क्वेश्चन में तो हम नहीं अज्यूम करेंगे, लेकिन दिया ही नहीं है तो हमें अज्यूम करना पड़ेगा। तो हमारा सक्शन पाइप का डायमीटर कितना आया था, 0.1295, पीछे आप पलट के देख सकते हैं, आपने इतना निकाला था सक्शन पाइप का डाया, ओके। तो आपने इसे अज्यूम कर लिया कि इम्पेलर का आई डायमीटर सक्शन पाइप का आई डायमीटर। अब हमें ब्लेड वेलोसिटी और बहुत सारी चीज़ें, मतलब इम्पेलर डिज़ाइन में इन शॉर्ट आपको बस उसका नंबर ऑफ ब्लेड्स डिसाइड करना पड़ता है कि कितनी ब्लेड्स रहनी चाहिए आपके इम्पेलर में। तो उसका ये फॉर्मूला है, नंबर ऑफ ब्लेड इज इक्वल टू, नंबर ऑफ ब्लेड्स को जेड से डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ ब्लेड्स इज इक्वल टू 6.5 d2+d1 अपॉन d2-d1 इंटू sin θ+5/2। ये फार्मूला, इसके डेरिवेशन के पीछे आप मत जाइए, पूरा टाइम वेस्ट हो जाएगा, आप सिंपली इसको रिमेंबर कर लीजिए, कोई ऑप्शन नहीं है दूसरा, आप प्लीज़ इसको रिमेंबर कर लीजिए, ताकि ये इम्पेलर डिज़ाइन का यही, आपको सिर्फ यही निकालना है इसमें नंबर ऑफ ब्लेड्स कितने लगेंगे,
तो ये फॉर्मूला है सिंपल सा, सिंपल तो नहीं लेकिन आप इसको अगर थोड़ा बहुत एफर्ट डाल के रिमेंबर कर लेंगे तो अच्छी बात है, क्योंकि आपको 15-20 मार्क्स मिल रहे हैं और आप उतने मार्क की अगर थ्योरी आती है तो आप तीन तीन चार चार पे ऐसे ही मेमोराइज़ कर ले, तो इसको भी आप मेमोराइज़ कर लीजिए छोटा सा फॉर्मूला। ओके, अब ये D2 क्या है, D1 क्या है, तो D2 D1 हमें D1 तो हमने अज्यूम कर लिया वो इम्पेलर डायमीटर को D1 बोलते D1। ओके, तो D1 हमारे पास है, T2 हमें उसके लिए टीटा भी चाहिए रहेगा और फाई भी चाहिए रहेगा। टीटा फाई क्या है, ये ब्लेड एंगल्स है, मतलब वेलोसिटी ट्रायंगल जब आप बनाएंगे तो उसमें जो एंगल्स आते हैं उसको टीटा और फाई बोलते हैं। देखिए इसके लिए आपको वेलोसिटी डायग्राम चाहिए चाहिए रहेगा। अभी हमें D2 भी नहीं पता, ब्लेड एंगल्स हम बाद में निकालते उसी, कोई चिंता नहीं है, लेकिन पहले हम D2 निकालते। D1 हमने अज्यूम कर लिए, इम्पेलर का डायमीटर आई डायमीटर ये अज्यूम कर लिए, लेकिन उसका आउटलेट डायमीटर क्या रहेगा वो हम अज्यूम नहीं कर सकते। एक चीज़ अज्यूम करें हमने, तो वो निकालने के लिए जैसे इनलेट इम्पेलर का इनलेट वेलोसिटी, आप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, यू इज इक्वल टू 2πND/60 है ना। कोई भी अगर आपको सर्कुलर कंपोनेंट की वेलोसिटी चाहिए रहेगी तो ये फॉर्मूला रहता है 2πND/60 या 2πDN/60 इसको बोलते हैं। सॉरी 2 नहीं आएगा, फॉर्मूला है πDN/60, ये सिंपल फार्मूला है बस। तो अगर आप इनलेट के लिए निकाले तो U1 इज इक्वल टू πD1N/60 और अगर आप आउटलेट के लिए निकाले U2 इज इक्वल टू πD2N/60। N1 N2 नहीं होता इसमें, N एक ही रहता है स्पेसिफिक कांस्टेंट। तो पहले हम U1 के लिए निकालते, क्यों U1 के लिए निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें D1 पता है और हमें N पता है तो U1 आराम से मिल जाएगा। तो फिर जब हम U2 डालेंगे तो U2 इज इक्वल टू πD2N/60, तो उसके लिए हमें U2 डालना पड़ेगा, फिर से हमें D2 मिल जाएगा। तो पहले हम D1 डालते हैं इसके अंदर, तो U1 इज इक्वल टू पाई इंटू D1 क्या है 0.1295 इंटू N1440 पीछे आप देखे जाके डिवाइड बाई 60। ओके, इससे आपको मिल जाएगी U1 U1 आई आपकी 9.764 मीटर पर सेकेंड। ओके, U1 आ गई, ठीक है। अब आपको U2 से पाई इंटू D2N/60 है ना, सेम फार्मूला। देखिए सिर्फ 1 के लिए 1, 2 के लिए 2। अब इसके लिए आपको U2 पता रहना चाहिए, तो U2 का एक फार्मूला है, उससे U2 निकल सकता है। तो वो फार्मूला है, आपको स्पीड रेशियो से निकालना पड़ेगा, इसके लिए आपको स्पीड रेशियो चाहिए। तो स्पीड रेशियो को डिनोट करते हैं KU से, उसका फॉर्मूला है U2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2GH। तो आपको ये फॉर्मूला भी रिमेंबर करना पड़ेगा। देखिए आप 15-20 मार्क्स है तो आपको थोड़ी बहुत चीज़ें तो रिमेंबर करनी पड़ेगी, जैसे नंबर ऑफ ब्लेड्स आपको चाहिए, उसके लिए आपको D2 D1 चाहिए। तो D1 आपने अज्यूम कर लिए, लेकिन D2 आपको कैसे मिलेगा, D2 के लिए आपको D2 के लिए U2 चाहिए तो ही आपको D2 मिलेगा, है ना। तो U2 को आपको U2 के लिए भी कुछ चाहिए रहेगा जो कि स्पीड रेशियो है। स्पीड रेशियो अगर आपको पता रहेगा तो आपको U2 मिल जाएगा आराम से। ओके, तो स्पीड रेशियो जो है ये KU, अरे क्या आपके पास GA 9.81, आपके पास H है जो आपने पीछे निकाल चुके हैं, तो आपको KU चाहिए तक तो ही आपको U2 मिलेगा। तो KU भी एक फैक्टर है ना, तो उसको भी हम अज्यूम कर लेंगे। तो मैं तो बोलता हूँ आप सारे फैक्टर्स इसमें 0.95 अज्यूम कर लीजिए, जो हमने पहले स्टेप में भी 1 अज्यूम किया था, आप इसको भी 0.95 अज्यूम करेंगे तो चल जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। तो इसलिए आप थोड़ा ये फैक्टर्स को ना आप लास्ट में एक टेबल बनाइए, उसमें फैक्टर्स लिखिए और उसकी वैल्यूज़ लिख दीजिए, आप वो चीज़ रिमेंबर कर लो। इसके लिए आप ये सम आपके लिए ईजी हो जाएगा। KU 0.95 हम अज्यूम कर लेते हैं। ओके, 0.95, इससे आपको U2 मिल जाएगा। U2 क्या मिला आपको इससे 21.37 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब आपको U2 मिल गया तो आप U2 याद आ लिए 21.37 मीटर पर सेकेंड, इससे आपको D2 मिल जाएगा। D2 आ गया 0.283 मीटर। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने D2 निकाल लिए, आपके पास D1 था, आपने D2 के लिए पहले स्पीड रेशियो गया, स्पीड रेशियो से U2 निकाले, U2 से फिर D2 निकाल लिए। तो अब आप बोले कि U1 क्यों निकाले, U1 हम इसलिए निकाले क्योंकि फ्लो में हमने U1 भी निकाल दिया और U2 भी निकाल दिया। U1 हमें आगे काम आएगा, अभी नहीं,
अब देखिए आपके पास ये सब चीज़ें आ गई, अब आपको टीटा और फाई चाहिए रहेगा, तो इसमें हमें यू वन काम आएगा, और ये टीटा फाई के लिए हमें वेलोसिटी ट्रायंगल आना चाहिए। ओके, तो इन पहला डिज़ाइन में क्या किया हमने, सबसे पहले अज्यूम किए डी वन, फिर ये नंबर ऑफ ब्लेड का फॉर्मूला, फिर डी टू निकाले, अभी टीटा और फाई निकालेंगे। तो बने रहिए आप, कहीं जाइए मत, ये आपको बहुत सारे मार्क्स मिल सकते हैं, सिर्फ 15 to 20 मार्क्स। तो अब हम वेलोसिटी ट्रायंगल देखते, तो पहली बात तो जो हमारे ब्लेड इंपेलर की वो कुछ इस तरह थी, है ना, मैं यहाँ लिख देता हूँ, स्टेप नहीं है ये, बस वेलोसिटी ट्रायंगल। ये इस तरह थी। ओके, तो अभी जिनको कुछ नहीं पता वेलोसिटी ट्रायंगल के लिए, उनके लिए मैं सिंपल बता रहा हूँ कि आप बस ये दो ट्रायंगल का शेप रिमेम्बर कर लीजिए, एक ऐसा और एक ऐसा, बस इतना सिंपल बात है बस। तो ये जो है फर्स्ट ट्रायंगल ऐसा रहेगा, ओके, और सेकंड ट्रायंगल ऐसा रहेगा, ये दो शेप रिमेम्बर कर लीजिए। ओके, तो ये जो है ये U1 है, सॉरी ये कुछ एंगल पर रहेगा, ये U1 है, ये जो एंगल है ये थीटा है। ओके, ये U1 है, ये V1 है, और ये VR1 है, ये तीन चीज़ रहती है वेलोसिटी एंगल में, U1, V1, VR1, और एक होता है VF। तो पहले तो मैं आपको बता देता हूँ ये सब चीज़ क्या है, तो U1, V1, VR1, VF1, VW1, और क्या है, ये और कुछ नहीं, अब ये सारी वेलोसिटी रहती है, ये पांच वेलोसिटीज रहती है। ओके, सो U1 है ब्लेड वेलोसिटी, U1 है तो इसलिए ब्लेड वेलोसिटी एट वन को हम, वन जो होता है वो इनलेट होता है, टू जो होता है वो आउटलेट होता है। ओके, तो U1 जो है ना वो ब्लेड वेलोसिटी है, ब्लेड वेलोसिटी मतलब इंपेलर की ब्लेड की वेलोसिटी, जो हमने पहले निकाल चुके हैं, U = πDN/60, जितना इंपेलर रोटेट करेगा उस हिसाब से उसको वेलोसिटी रहती है, ब्लेड वेलोसिटी। V1 है वो जो वाटर इसको स्ट्राइक कर रही है ना ब्लेड को, उसको बोलते हैं मतलब वाटर वेलोसिटी। ओके, V1। VR1 है रिलेटिव वेलोसिटी, ये दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी क्या है उसको बोलते हैं VR1। VF1 है फ्लो वेलोसिटी, और VW1 होता है वर्ल वेलोसिटी। ये सब चीज़ आपको रिमेंबर करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल आप बस एक ब्लेड लीजिए, उसके अंदर ऐसा ट्रायंगल बनाइए, वापिस बना देते हो गया वो, ये ब्लेड है, कुछ नहीं करना है आपको, बस इसमें आपको सिंपल ऐसे ट्रायंगल बनाइए और एक ऐसे ट्रायंगल बनाइए। ओके, तो वाटर इसको ऐसे स्ट्राइक करता है, तो इसलिए V1 यहाँ पर आता है V1, और वाटर ऐसे ऐसे ऐसा जाता है और यहाँ से चले जाता है बाहर, है ना, लेकिन ऐसा नहीं है, वाटर ऐसा स्ट्राइक करता है तो ऐसे ही है, यहाँ भी ऐसे ही स्ट्राइक करेगा, तो इसलिए यहाँ पर V2। ओके, फिर ये ब्लेड वेलोसिटी की डायरेक्शन है U1, और ये जो पूरा है ये U2 होता है, और ये है रिलेटिव वेलोसिटी की डायरेक्शन VR1। ओके, रिलेटिव वेलोसिटी ऐसा यहाँ पर होते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी VR2। ओके, और फ्लो वेलोसिटी सीधी रहती है हमेशा, मतलब ऊपर वाले के लिए, सेकंड ट्रायंगल के लिए, ये देखिए यहाँ वाटर फ्लो कैसे हो रहा है, ऐसा फ्लो रहा है, तो V1 = VF1, और यहाँ पर ये VF2। ओके, फिर आप बोल रहे हैं VW1 का कहीं यूज़ ही नहीं हुआ, तो वो क्यों है, हाँ तो यहाँ पर VW1 जीरो है, लेकिन यहाँ काम आता है ये जो इतना पार्ट है ना, इसको बोलते हैं VW2। ओके, तो सिंपल आपको बस इतनी चीज़ रिमेंबर करनी है। अब इसमें आपको टीटर 5 इंच चाहिए, उसके लिए तो आप वेलोसिटी ट्रायंगल बना रहे हैं, तो यहाँ पर ये टीटा है और ये फाई है, आप इसको मगअप कर लो, 15 to 20 मार्क्स का सवाल है, मैं फिर से कह देता हूँ, छोटी सी चीज़ें मगअप करने के लिए कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें, इसमें हम ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे बाद में, लेकिन वो फार्मूला भेज दें,
तो ये ब्लेड है, आपने एक ऐसा ट्रायंगल बनाया, ये यू वन है, ये वी वन है, ये वी आर वन है, ओके। फिर ऐसा ट्रायंगल बनाइए, ये वी आर टू है, ये वी टू है और ये यू टू है, ओके। वी एफ टू यहाँ पर यही रहेगा सीधा, और यहाँ पर वी एफ वन वी वन की डायरेक्शन में रहेगा, वी वन इक्वल टू एफ वन, और ये वी डब्ल्यू टू है, ओके। ये सिंपल सी बात। अब इसके बाद टीटा देखिए, आप टीटा कहाँ है, ये है, ओके। आपने ए यू है, तो आपको यू वन पता है, और वी वन मतलब यहाँ पर वन पे क्या कनेक्ट हो रहा है, सक्शन पाइप ही कनेक्ट हो रहा है ना इनलेट पे, और आउटलेट पे डिलीवरी पाइप है, तो वी वन मतलब वाटर की वेलोसिटी, सक्शन पाइप की वेलोसिटी जितनी रहेगी ना, सक्शन पाइप में जितनी वेलोसिटी से वाटर है जो कि है वी एस से, तो उतनी वेलोसिटी से यहाँ पर स्ट्राइक भी करेगा ना, तो वी एस और वी वन दोनों सेम ही रहेगा, तो वी एस हमने दो अज्यूम किए थे, तो वी वन भी दो ही हो गया, ओके। तो देखिए आपके पास ये साइड है और आपके पास ये साइड है, ये मिलके 90 बन रहे हैं ना, तो ये कौन सा फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का जो ये दोनों साइड को रिलेट करता है, अगर ये 90 है हाइपोटेनस है तो टीटा के अपोजिट है, और ये एडजेसेंट है, तो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट या एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, तो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट हम लेते हैं, जैसे टेन टीटा होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, है ना, ये तो अपोजिट क्या है वी वन, अपॉन एडजेसेंट क्या है यू वन इक्वल टू टेन टीटा। देखिए कितना सिंपल है, तो यहाँ से आपको टीटा मिल जाएगा जो कि है वी वन टू बाय यू वन, आपने पीछे निकाले इसलिए यू वन निकला था 9.764, तो इससे आपको टीटा मिल जाएगा, तो इससे आपको टीटा मिला 11.57 डिग्री। अब हमें अल्फा निकालना है, सॉरी फाई निकालना है, तो फाई निकालने के लिए आप टेन फाई लगाइए अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो फाई के अपोजिट क्या है वी एफ टू, वी एफ टू अपॉन एडजेसेंट, फाई का एडजेसेंट देखिए ये है, ये 90 डिग्री एंगल है, ये पूरा नहीं है, सिर्फ आपको इतना ही कंसीडर करना क्योंकि ये 90 डिग्री है, ठीक है, और फाइ इधर नहीं इधर है इसलिए हम ये कंसीडर कर रहे हैं, तो अपोजिट क्या है ये चीज़ है अपोजिट, और ये एडजेसेंट अपोजिट टू वी एफ टू है, एडजेसेंट ये चीज़ है, तो इसको हम नाम देते थे एक्स, ओके वी एफ टू अपॉन एक्स, तो अब हम देखते हैं हमारे पास है क्या वी एफ टू और एक्स, तो वी एफ टू नहीं हमारे पास वी एफ टू भी नहीं है, एक्स है क्या नहीं, लेकिन हमारे पास क्या है यू टू है हमारे पास, तो अगर हमें वी टू मालूम पड़े वी डब्ल्यू टू मालूम पड़ जाए और यू टू तो मालूम है तो एक्स मालूम पड़ेगा, क्योंकि एक्स क्या है एक्स प्लस वी डब्ल्यू टू दोनों मिलकर यू टू बन रहे हैं ना, तो अगर हमें ये मालूम पड़ जाए ये तो मालूम है ही हमें, तो हमें एक्स मालूम पड़ जाएगा, तो हम वी डब्ल्यू टू पहले निकालते हैं उसके बाद हम वी एफ टू लिखते हैं, तो वी डब्ल्यू टू निकालने के लिए एक फार्मूला है वो आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, मगअप करना पड़ेगा, मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी इज इक्वल टू मैनोमेट्रिक हेड, क्योंकि एफिशिएंसी मैनोमेट्रिक है तो मैनोमेट्रिक हेड डिवाइड बाय वी डब्ल्यू टू यू टू अपॉन जी, ये फॉर्मूला है, ये आपको पम्प्स एंड कंप्रेसर वाले सब्जेक्ट में ये डिराइव करके मिल जाएगा, ओके। तो अभी ये फार्मूला मैं और थोड़ा सिंपल में बताता हूँ कि ये फार्मूला सिंपल मैनोमेट्रिक हेड का फार्मूला है, मैनोमेट्रिक हेड इज इक्वल टू वी डब्ल्यू टू यू टू डिवाइड बाई जी, बस उसको ये थेरियोटिकल मैनोमेट्रिक हेड आता है तो उसको अपनी एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए ताकि एक्चुअल मैनोमेट्रिक हेड आ जाए, तो फिर एक्चुअल मैनोमेट्रिक हेड के लिए हम मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये फार्मूले से हम मैनोमेट्रिक हेड निकाल सकते हैं, ये वाला फार्मूला वी डब्ल्यू टू यू टू बाई जी, उसको फिर मैनोमेट्रिक हेड से मल्टीप्लाई कर दी, तो ये फार्मूला वैसे आया, तो हमें वी डब्ल्यू टू मैनोमेट्रिक हेड हमें पता है ना, हमने पिछले स्टेप्स में निकाले मैनोमेट्रिक हेड क्या आया था 25.78, तो हमें मैनोमेट्रिक हेड पता है 25.78 अपॉन वी डब्ल्यू टू हमें निकालना है, यू टू हमें पता है, यू टू हमने पिछले ही स्टेप्स में निकाले हैं, यू टू आया 21.37 डिवाइड बाय ये 9 निजी है ये, तो 9.81 टू मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी हमने अज्यूम किए थे 0.95, तो इससे हमें वी डब्ल्यू टू मिल जाएगा, तो वी डब्ल्यू टू हमें मिल गया 12.46
मीटर पर सेकेंड। ओके अभी वी डब्ल्यू टू मिल गया। अभी मैंने क्या कहा था, वी डब्ल्यू टू मिला और यू टू है तो उससे एक्स मिल जाएगा। एक्स एक्स हमें मिल गया, एक्स इज इक्वल टू ट्वेंटी वन पॉइंट थ्री सेवन जो यू टू था माइनस 12.46। तो 21.37 माइनस 12.46 माइनस 7 1 13 माइनस 4 9 फिर ये 10 माइनस 2 8 8.91 टैक्स हमें मिल गया 8.91। अब हमें निकालना है VF2। तो VF2 के लिए सिंपल फॉर्मूला, जैसे आपने स्पीड रेशियो से U2 निकाले थे ना वैसी एक चीज़ है फ्लो रेशियो। तो ये दो रेशियो आप याद रखें, आपने स्पीड रेशियो से क्या निकाला, स्पीड रेशियो से आपने निकाला U2, अब फ्लो रेशियो से आप निकालेंगे VF2। ओके तो फ्लो रेशियो स्पीड रेशियो KU से डिनोट होता था, फ्लो रेशियो KF से डिनोट होगा। वही सेम फार्मूला जो स्पीड रेशियो का था, स्पीड रेशियो क्या था U2 अपॉन रूट ऑफ 2GH है ना, तो इसका भी फॉर्मूला वही है लेकिन U2 की जगह हम VF2 के लिए निकाल रहे थे, इसलिए VF2 अपॉन रूट ऑफ 2GH। तो KF अभी KF जो है ना वो या तो 0.16 अज्यूम करिए या तो 0.15 या तो 0.17, ये तीन वैल्यूज में से कुछ अज्यूम कर सकते हैं आप। तो मैं हम अज्यूम कर रहे 0.16 VF2 तो हमें निकालना है अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 9.81 इंटू एच क्या है 25 कुछ था ना 25.7। तो इससे हमें VF2 मिल गया, VF2 हमें मिल गया 3.6 मीटर पर सेकेंड। ओके तो आप VF2 डालिए आप 3.6 मीटर पर सेकेंड, दोनों को डिवाइड करिए तो आपको 5 मिल जाएगा, 5 मिल गया 22 डिग्री। ओके तो आप इसमें समराइज कर देता हूँ आपके लिए, क्या एम्पायर डिज़ाइन हम कर रहे थे। एम्पायर डिज़ाइन में सबसे पहले हमें निकालना रहता है नंबर ऑफ ब्लेड्स, तो उसका फॉर्मूला है 6.5 D2 + D1, ये जो फॉर्मूला ये है। अब इसमें D1 हमने अज्यूम कर लिया कि वो सक्शन पाइप डायमीटर जितना है, D2 के लिए हमने U2 से निकाले, अब U2 कैसे निकाले, U2 हमने स्पीड रेशियो से निकाले, KU इक्वल टू U2 अपॉन रूट ऑफ 2GH, तो इससे U2 मिल गया। तो अब U2 मिल गया तो U2 से हम D2 निकाल लिए। अभी टीटा फाई चाहिए था तो टीटा फाई के लिए हमने वेलोसिटी ट्रायंगल यूज़ किया, वेलोसिटी ट्रायंगल ये मैंने बनाना आपको बताया, तो टीटा ये रहा तो उससे टेन टीटा लगा हमने, तो V1 अपॉन U1 सब हमारे पास था तो टीटा निकल गया। अभी फाई निकालना था तो टेन फाई लगा हमने, VF2 अपॉन X, तो अब X निकालना है तो U2 में से VW2 माइनस कर दिए तो X मिल जाएगा। U2 मालूम है हमें, VW2 नहीं मालूम था, तो VW2 का ये फार्मूला यूज़ किए, मैनोमेट्रिक हेड इज इक्वल टू VW2 U2 बाय G इनटू मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी, तो इससे VW2 मिल गया, VW2 मिल गया तो X भी मिल गया, X मिल गया। अब हमें VF2 चाहिए था, VF2 के लिए हमने फ्लो रेशियो यूज़ किया, बस सिंपल फ्लो रेशियो से हमें VF2 मिल गया, ये डाल के हमें 5 मिल गया। तो सिंपल स्टेप था, आप प्लीज़ इसे कॉम्प्लिकेटेड मत समझिए, आप इसे थोड़ा एफर्ट लगा के थोड़ा सा रिमेंबर कर लीजिए तो आपको 15-20 मार्क्स मिल जाएंगे, छोटी बात नहीं होगी। आप ऐसे दो सवाल अपने यूनिवर्सिटी में सॉल्व कर लिए दूसरे डिज़ाइन और ये डिज़ाइन का, तो आप MD में पास हो सकते हैं आराम से। तो सिर्फ दो ही सम मांगते हैं MD पास होने के लिए, दो बड़े सम। तो हमने टीटा फाइव निकाले, अब हम नंबर ऑफ प्लेट्स निकालते, तो जेड क्या था 6.5 D2 + D1, फिर D2 - D1 वही माइनस कर दो, और फिर साइन टीटा प्लस 5/2 है ना, यही फॉर्मूला था। सब वैल्यूज हमें नोन है तो हम इसमें सबकी वैल्यूज डाल देंगे, तो इससे हमारा जेड आ गया 5.044 ब्लेड्स। अब ब्लेड्स ऐसा तो नहीं हो सकते कि मुझे 5.044 ब्लेड देना है, ऐसे नहीं कर सकते, तो इसको हम अगली वैल्यू पे राउंड ऑफ कर देते हैं, तो जेड इज इक्वल अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 6 ब्लेड्स। ओके आपने नंबर ऑफ ब्लेड्स निकाल लिए इम्पेलर के लिए, बस आप तीन चीज़ और निकाल दीजिए, आपका डिज़ाइन ऑफ सेंट्रिफ्यूगल पंप जितना नेसेसरी उतना कम्प्लीट हो जाएगा। जैसे अब आपको सेकेंड चीज़ निकालनी है, फर्स्ट चीज़ थी, आपको सेकेंड चीज़ निकालनी है विद विद एट आउटलेट, फिर निकालना है विद एट इनलेट, इनलेट के लिए भी आपको निकालना है ना। तो पहले इनलेट के लिए देखते हैं क्योंकि इनलेट 1 है ना, तो इसलिए
विथ का फॉर्मूला है आपको आपको ये फॉर्मूला बताया ना, क्यू इज इक्वल टू ए इन टू बी है ना। तो विथ के लिए हम पाई डी बी, ये बी जो है ना ये विथ है, इसको बोलते हैं। तो ये एरिया फॉर्मूला हो गया इन टू वी है ना, उसको कोई फैक्टर से हम मल्टीप्लाई कर देते ताकि एक्चुअल विथ मिल जाए, तो उस फैक्टर का नाम है के। ओके, तो इसमें भी के की वैल्यू जो है ना वो 0.92 है। देखिए आप नोटिस करिए ज़्यादातर के की वैल्यू 0.9 के ही आसपास है, सिर्फ कुछ केसेस में थोड़ा कम था बाकी यही है। तो विथ का फॉर्मूला हम इनलेट के लिए क्या बना सकते हैं, इनलेट के लिए हम बना सकते हैं पाई डी वन बी वन विथ एट इनलेट, ये हो गया विथ एट इनलेट इंटू वी वी वन इंटू के। तो हमारे पास डी वन है, बस वी वन है, लेकिन ये किसके इक्वल है, ये डिस्चार्ज के इक्वल है ना यहाँ पर क्यू टी एच, विद तो हमारा बीच में आ रहा है ना यहाँ पर, तो ये विद इधर है। वी वन है, डी वन है, पाई है, के भी हमने अज्यूम कर लिया 0.92, और थेरियोटिकल डिस्चार्ज हमें पहले से पता था, तो इससे हमें बी वन मिल जाएगा। तो बी वन इज इक्वल टू 0.035 मीटर, ठीक है। अभी भी तक आउटलेट मतलब बी टू निकालना है हमें, तो बी टू निकालने के लिए हमें पता है क्यू टी एच इज इक्वल टू पाई डी बी वी ऐसे याद कर लीजिए इंटू के, तो सब टू टू टू, फिर क्यू टी एच वही रहेगा, सेम डिस्चार्ज रहता है। डी टू आपको पता है, बी टू आपको निकालना है, बी टू आपको पता है और के आपको पता है 0.92, तो इससे आपको बी टू मिल जाएगा। तो बी टू मिल गया आपको 8.9 × 10⁻³ मीटर, विथ मिल गई, सेकेंड स्टेप हो गया विथ एट इनलेट एंड आउटलेट। अब थर्ड से फाइनल स्टेप है थिकनेस निकालना है, थिकनेस एट इनलेट एंड सिमिलरली एट आउटलेट। तो इसके लिए आपको निकालना नहीं है, इसमें आप अपन सीधा अज्यूम कर लेते हैं। तो थिकनेस एट इनलेट टी वन होता है, तो उसको हम अज्यूम करते हैं 6 to 8 mm के बीच में रहेगी, तो आप इसके बीच में कुछ भी नंबर आप अज्यूम कर लो, समझ लो 7 mm। फिर थिकनेस एट आउटलेट टी टू, तो टी टू जो है वो 3 to 5 mm के बीच में रहेगा, तो इसको आप अज्यूम कर लो 4 mm। सो डेट्स ऑल, यहाँ पर आपका इन पहले डिज़ाइन ख़त्म हो गया। इन पहले डिज़ाइन में तीन ही चीज़ था, नंबर ऑफ ब्लेड्स निकालना था, विड्थ निकालनी थी और थिकनेस निकालना था, तो आपने वो भी कर लिए। फिर केसिंग एंड हब के लिए ये एकदम छोटा सा स्टेप है लास्ट का, तो मैं इसको यहीं लिख देता हूँ, स्टेप नंबर 9। स्टेप नंबर 7, 8 और 10 मैं अगली वीडियो में कवर करूँगा, क्योंकि वो ऑप्शनल स्टेप है। तो आप पहले अपनी यूनिवर्सिटी चेक कर लीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, अगर उसमें आपको पूछ रहे हैं इंपेलर शाफ्ट डिज़ाइन करो, बेयरिंग सिलेक्ट करो या फिर फ्रेंच फास्टनर डिज़ाइन करो, तो मैं वो नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूँगा, क्योंकि वो ऑप्शनल है, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इस वीडियो में मैं जो कंपलसरी स्टेप्स है जो हर सेंट्रीफ्यूगल पंप में लगते हैं वही कवर किया। तो इंपेलर डिज़ाइन हो गया, अब लास्ट स्टेप केसिंग है, छोटा सा स्टेप है। तो हम चलते लास्ट स्टेप पे, 9th स्टेप जो कि है डिज़ाइन ऑफ केसिंग एंड हब। तो इसमें हम केसिंग नहीं डिज़ाइन करते, हम इसमें सिर्फ हब डिज़ाइन करते हैं, क्योंकि इसकी बेस पे केसिंग हमें मिल जाती है, तो हम सिर्फ हब डिज़ाइन करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप है कि आपको डायमीटर ऑफ शाफ्ट जो है ना, डायमीटर ऑफ शाफ्ट अज्यूम करना पड़ेगा 30 mm। हम क्यों अज्यूम कर रहे हैं डायमीटर ऑफ शाफ्ट 30 mm, क्योंकि हमने ये स्टेप स्किप कर दिया इंपेलर शाफ्ट डिज़ाइन, क्योंकि ये क्वेश्चन में पूछा नहीं। अगर आपने ये स्टेप किया, क्वेश्चन में पूछा आपने और आपने ये स्टेप करा, तो इससे आपको जो डायमीटर मिलेगा ना इंपेलर शाफ्ट का, वही आपको यहाँ पर लेना है, ठीक है। तो हमने ये स्टेप तो किया नहीं, हमने सीधा स्किप कर दिया इसको, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा नहीं। तो हम डायमीटर ऑफ शाफ्ट अज्यूम कर लेंगे 30 mm, ठीक है, 30 अज्यूम करना। ओके, तो हम पहले तो डायमीटर निकालते हैं हब का, डायमीटर ऑफ हब तो वो होता है 1.25 × डायमीटर ऑफ शाफ्ट, मतलब इसका 1.25 × 30 जो कि है 35 mm। और फिर लास्ट है लेंथ ऑफ हब,
जो होते हैं 1.5 इंटू डायमीटर ऑफ शाफ्ट, तो ये है 42 mm. सो इट्स कम्प्लीटली डन, जो कंपल्सरी स्टेप्स है वो हो गए. अब नेक्स्ट वीडियो अगर आपको देखना है ऑप्शनल स्टेप्स कैसे सॉल्व करते हैं तो आप प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो वॉच करिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो विथ योर ग्रुप सो डैट दे कैन ऑल्सो लर्न. एंड प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस. आई विल कवर अदर सब्जेक्ट ऑल्सो. थैंक यू.